उज्जैन की 32वीं बटालियन के जवानों और अधिकारियों को आज ओपन जिम की सौगात मिली है। ओपन जिम से कर्मचारियों का फिटनेस लेवल अच्छा होगा। ओपन जिम उद्घाटन में महामंडलेश्वर आचार्य शेखर जी महाराज, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, 32वीं वाहिनी कमांडेंट सविता सोहाने ने फीता काटकर शुभारंभ किया। 32वीं बटालियन के जवानों और अधिकारियों को आज ओपन जिम की सौगात मिली। ओपन जिम से कर्मचारियों का फिटनेस लेवल अच्छा होगा। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी अतुलेशानंद सरस्वती आचार्य शेखर जी महाराज के सानिध्य में नगर अध्यक्ष विवेक जोशी की अध्यक्षता में लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर 32वीं वाहिनी विजबल के कमांडेंट सुश्री सविता सोहाने, पुलिस अधिकारी और जवान आदि उपस्थित थे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव आचार्य शेखर ने ओपन जिम के लोकार्पण के अवसर पर कहा कि ओपन जिम के लिए पूर्व में घोषणा की गई थी, जो आज पूर्ण हुई है। ओपन जिम में विभिन्न उपकरण लगाए गए हैं, इससे 32वीं वाहिनी के पुलिस जवानों का फिजिकल फिटनेस व्यायाम करने से ही सही होगा। इस नई सौगात की सभी को बधाई देते हुए कहा कि ऋतुओं का राजा बसंत पंचमी के अवसर पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं और सब आनंदमय जीवन जिए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर कहा कि अमृत प्रोजेक्ट के तहत 32वीं वाहिनी विजबल परिसर में सीवरेज तथा शुद्ध पेयजल आदि कार्यों के लिए 10 करोड़ से अधिक की राशि व्यय कराने की घोषणा की गई। तीनों कैंपस क्रमशः 32वीं वाहिनी, पुलिस लाइन तथा होमगार्ड परिसर के सीवरेज एवं पेयजल का कार्य हो सकेगा। इसके लिए कमांडेंट सविता सोहाने ने धन्यवाद ज्ञापित किया। एक ओपन जिम का लोकार्पण हुआ, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव जी ने के मद से ही ये संपन्न हुआ है और आगे भी उन्होंने सशस्त्र बल और पुलिस विभाग को चमन बनाने के लिए बसंत पंचमी के दिन ये संकल्प किया है कि पुलिस विभाग के लिए एक सामुदायिक भवन 50 लाख रुपए का वो अनुदान पुलिस विभाग को देंगे। तो मैं अपनी तरफ से उनको बहुत बधाई देता हूं और ये आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि आप आगे तरक्की करें और समाज के लिए जो उत्तम कार्य कर रहे हैं वो सदैव अच्छा बना रहे। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक जोशी जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है। ओपन जिम के विभिन्न प्रकार के उपकरण लगाने का आज पिछले समय में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के माध्यम से देने का यहाँ हमने घोषणा की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 32 बटालियन में ओपन जिम की सारी व्यवस्था और बाकायदा विभाग की तरफ से भी बटालियन में मैडम ने ये जो इसका बेस तैयार किया है, मैं बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो सशस्त्र बल है इनके लिए फिजिकल फिटनेस की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक भी था और जिस प्रकार से यहाँ कम समय में सारी सुविधा जुटाई मैडम सोहाने और पूरी उनकी टीम को, इस अवसर पर हमारे महामंडलेश्वर अतुलेश्वरानंद जी महाराज साहब के भी सानिध्य में हमने लगातार ये विकास के कदम बढ़ाए हैं। आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। इस अवसर पर बीजेपी के अध्यक्ष माननीय विवेक जोशी जी भी साथ थे। मैं ये नई सौगातों की बधाई देता हूँ। एक्चुअली जैसे आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा मंत्री माननीय मोहन यादव साहब ने हमारे यहाँ एक उसमें जो एक्यूप्रेशर ट्रैक और टेनिस का दिया हॉल दिया था, उसी के दौरान अभी जब 13 तारीख को लास्ट मंथ में उसका लोकार्पण हुआ था, उसमें ओपन जिम उन्होंने दिया था खेल विभाग के माध्यम से हमको 5.5 लाख का, उसको हमने आज यहाँ पर स्थापित किया अपने वेलफेयर से, जिसका स्वीकृति पुलिस मुख्यालय से प्राप्त हुई और आज उसका लोकार्पण हुआ। और माननीय मंत्री महोदय के द्वारा यहाँ सीवर लाइन का और पीने के पानी दोनों की व्यवस्था पे करोड़ों की सौगात देखे गए हैं, जो जिसके लिए पूरी बटालियन बहुत आभारी है।